ललितपुर के पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली ताल पर प्रभारी मनोज वर्मा, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजू व्यास, कांस्टेबल कमल कुमार, वहीं स्वाट टीम के उप निरीक्षक राम कुमार, सर्विलांस टीम के उप निरीक्षक गुलाम हुसैन, हेड कांस्टेबल शत्रुंजय सिंह, कांस्टेबल थान सिंह, कांस्टेबल रमेश शुक्ला, कांस्टेबल जावेद अली, कांस्टेबल मनमोहन, कांस्टेबल इमरान, कांस्टेबल राहुल, वाहन चालक सलाउद्दीन, सभी स्वाट टीम, कांस्टेबल संजय सिंह, कांस्टेबल रजनीश चौहान, सर्विलांस टीम शामिल रहे। स्वाट टीम और तालमहल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अच्छा काम हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, जो आपके सामने इस सूटकेसेस में है। ये आंध्रा से आ रहा था और आगरा में इसकी डिलीवरी होती है और डिलीवरी फिर फर्दर आगे कहीं इसका माल जाता है। सूचना मिली और चेकिंग के दौरान, जैसा मैंने बताया, स्वाट टीम और तालबेट सचों की पूरी टीम के साथ ये रिकवरी की गई और दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। जो पीछे हैं, विजय कुमार शर्मा, ये फरीदपुर पंजाब का रहने वाला है। दूसरा जितेंद्र शर्मा, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसकी क्वान्टिटी 40 kg है और इसकी तकरीबन जो कीमत है वो 10 लाख के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कई गुना और कीमत बढ़ जाती है। काफ़ी अच्छी रिकवरी है और ये बहुत ही शातिर गैंग है, जिसमें एक जो ये है जितेंद्र शर्मा, वो पहले भी इस कुरियर जो गांजा का कुरियर का काम करता है, जेल जा चुका है। इसमें हमको वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसमें मिलों को जेल भेजना है और जो टीम है उसको मेरी तरफ से 15,000 रुपये का सावधान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।